उसका फ़ोन से तो काफ़ी स्टेबल हो के उसका मोटो ब्लॉग का सेटअप जो बैठा हुआ था काफ़ी अच्छा लग रहा था, और इवन उसका कैमरा एंगल भी काफ़ी अच्छा था। सो गाइस खाली नहीं है ब्लेंडर, तो थोड़ा सा वेट लगा 10-15 मिनट। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय ब्रांड वीडियोस ऑफ मोटोरॉयड ब्लॉग्स। सो गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो दो तीन दिन हो गया ब्लॉग्स नहीं बनाया, तो सोच रहा है कि आज बाल कटने जाएगा तो उसका ब्लॉग्स बनाया जाए। तो ये रही मेरी टाइगर, तो आपको अभी मोटो ब्लॉग सेटअप में मिलता है। अपना कॉलोनी से निकल रहा है, वैसे गर्म दिन आ गया इसलिए बाल कटेगा सोच डिसाइड कर लिया कि आज तो काट लेगा बाल को। वैसे आज का वेदर भी काफ़ी अच्छा होकर रखा है, धूप दे के रखा है, लगता है बहुत ट्रैफिक होगा, धूप है ऊपर से आए, गर्मी काफ़ी गर्म है गाइस। सो दो आई थिंक 3-4 दिन का बाद फिर से ब्लॉग्स बना रहे, क्या करें गाइस। हम बोला ही था पिछले ब्लॉग्स में रेगुलर ब्लॉग्स नहीं आएगा आज से, कि कुछ चल रहा है लाइफ में, तो अगर ऐसा बात नहीं है कि रेगुलर ब्लॉग्स नहीं बनाएगा, वैसे बनाने का दिल करता है लेकिन होता नहीं है ड्यू टू गर्म के कारण से, दिन को निकलने दिल नहीं लगता है और फिर शाम होते होते ही मूड चेंज हो जाता है उसके कारण से। सो देखता है क्या होता है, काफ़ी गर्म है उसके कारण से हम आज जस्ट फुल टी शर्ट पहन लिया और जस्ट ट्रैक पैंट में आ गया, क्या लॉन्ग पैंट पहनना है बल्कि काफ़ी गर्म है। वैसे हम आज सुबह भी एक ब्लॉग देखा था वीडियो जो बाहर का है, बाहर का मतलब ये शायद दिल्ली मुंबई का होगा, तो उसका सेटअप जो हम पिछला ऑनलाइन से सेटअप लिया था तो उसका कंपेयर में उसका वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो उसका लिंक में प्रोडक्ट का वो मेंशन नहीं किया, आई मीन लिंक नहीं दिया प्रोडक्ट का, अगर लिंक देता तो हम ज़रूर लेता। तो मेरा क्यों प्रॉब्लम हो रहा है पता नहीं, वैसे उसका आईफोन से शूट करा था, आईफोन और रियलमी 6 प्रो में कौन सा वेट जिसका ज़्यादा होगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करना। मेरा एक्चुअली रियलमी 6 प्रो फ़ोन काफ़ी हेवी है, शायद उसके कारण से वो स्टेबल नहीं रहता है, नीचे गिर जाता है। तो आईफोन उसका आई थिंक आईफोन 12 या 13 था कुछ शायद ऐसा लगा हमको, तो उसका फ़ोन से तो काफ़ी स्टेबल हो के उसका मोटो ब्लॉग का सेटअप जो बैठा हुआ था काफ़ी अच्छा लग रहा था, और इवन उसका कैमरा एंगल भी काफ़ी अच्छा था। तो पता नहीं मेरा क्या इशू है, मेरा में क्या प्रॉब्लम हो गया पता नहीं, क्योंकि वो देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है तो मेरा ये देखने में इतना स्टैंडर्ड नहीं लगता है, प्लास्टिक और ये सिर टिप से चिपका के, और इवन देखने में लगता है कि कुछ बहुत गंदा सा लगता है, इसलिए हम थोड़ा सा चेंज करें उसके। ऑनलाइन से इतना पैसा जुगाड़ करके मंगाया फिर भी नहीं हुआ, काफ़ी उदास है अभी तक, हम क्या करना पड़ेगा कुछ आइडिया ही नहीं है। वैसे ऐसा कोई आसपास में है नहीं जिसको हम जानता हो या वो हमको सजेस्ट करे कि ये लो प्रोडक्ट वो लो, कोई बल कोई आई मीन बताने वाला ही नहीं है, तो इसके कारण से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है हमको। ट्रैफिक देखो गाइस काफ़ी ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक है गाइस देख सकते हैं। यहाँ से जाना टाइम लग रहा है गाइस, चलो जैसे तैसे निकल गया। सो वैसे गर्म भी बहुत हैवी है, गर्म दिन तो बिल्कुल पसंद नहीं रहा अपन को तो। अरे कम से कम एम्बुलेंस जा रहा है तो कम से कम इसको तो सेट कर दो, प्रॉब्लम हो जा रहा है तो उसको यार।
आई होप जल्दी छुट्टी हो जाए, आई मीन जल्दी से ठीक हो जाओ। आई होप गॉड से प्रे करते हैं, जो भी पेशेंट हो जल्दी से ठीक हो जाए, ये दुआ करते हैं। और हम जब भी एम्बुलेंस जा रहा होता है हम प्रे करते ही है इंसानियत के नाते। आप लोग भी प्रे कर देना जब भी एम्बुलेंस को दिखाई देने से, गौर से प्रे कर देना कि पेशेंट को जल्दी से ठीक कर दो। हम लोग प्रेमनगर होके जाना पड़ेगा गाइस, ऐसे तो मार्केट से नहीं घुस पाएगा। मेडिकल होके प्रेमनगर होके जाना पड़ेगा। दो चार दिन से ब्लॉग्स नहीं बना रहा था बल्कि आज हम बाल करने जा रहा था, इसलिए सोचा चलो ब्लॉग्स बनाया जाए। कब यहाँ से लेना है लेफ्ट, काफ़ी गर्म है गाइस। चलो यहाँ से लिया जाए लेफ्ट, यहाँ से चलते हैं। भाई आप लोग को साउंड क्लियर आ रहा होगा, क्या होता है कभी कभी हम माइक डालना भूल जाते हैं, उसके कारण से साउंड अच्छे से रिकॉर्ड ही नहीं होता है, विंड ब्लास्ट हो जाता है। सेपा में भी गया बार में, ब्लॉग्स पूरा बना चुका था, इवन जहाँ तक डेस्टिनी था वहाँ तक जाके ब्लॉग बना चुका था, बट क्या है कि माइक को हम डालना भूल गया तो उसके कारण से पूरा क्लिप ख़राब हो गया। ऐसा बहुत होता है ब्लॉगर लोग के साथ में, जो मोटो ब्लॉग करते हैं उसके साथ में ऐसे ब्लॉग बहुत होता होगा, मेरे पास तो बहुत हो चुका है, फिर से रिपीट शूट करना पड़ता है। अगर रेगुलर आप मोटो ब्लॉग करते हैं अपने से ज़्यादा चांसेस रहेगा कि नहीं भूलेगा। अगर आप वीक में एक दो बार करता है या तो वीक में एक बार या महीना में एक दो बार करता है अपने से, तो देम श्योर आप कभी कभी ये माइक लगाना भूल जाएगा। तो आप लोग भी सजेस्ट करो, कमेंट करो कि कैपिटल में कहाँ कहाँ जाके ब्लॉग बनाओ, कमेंट में सजेस्ट करना आप लोग, वहाँ जाके हम ब्लॉग बना देगा। क्योंकि ज़्यादातर हमको कैपिटल में नहा लगाना जरूरी हो गई, द्विमुख पूरा घूम ही चुका है, इसलिए अभी कहाँ ब्लॉग बनेगा, इसलिए हम रेगुलर ब्लॉग नहीं बना पा रहे हैं। अगर आप लोग कमेंट करेगा तो जरूर जाएगा। यहाँ पे भी देखो गाइस, क्या ट्रैफिक रहेगा, वाह वाह क्या हो गया गाइस। आज प्रेमनगर में कि यहाँ पे भी काफ़ी ट्रैफिक है, एक तो गर्मी ऊपर से धूप दे रहा है, ऊपर से ऐसे ट्रैफिक बर्दाश्त नहीं होता गाइस। सो फाइनली पहुंच गया। तो गाइस फाइनली यहाँ पे पहुंच गया, पीछे देखते ही रहा बार बार, हम यहाँ पे कहते हैं यूजुअली। और यहाँ पे लाइन देखो गाइस, ट्रैफिक का काफ़ी लंबा ट्रैफिक, बाल कैसा हो गया हेलमेट पहना है तो। वो चलो अंदर जाता है तो देखता है खाली है ना नहीं है। सो गाइस खाली नहीं है बोला अंदर, तो थोड़ा सा वेट लेगा, 10-15 मिनट वेट करो बोला है, तो जैसे वेट आता है अपना धन अंदर चला जाएगा। कुछ इस तरह अभी कर देगा, हमें इसको कटने में देखो किस तरह है, काफ़ी लंबा लंबा है, कटने में देखो कैसा लगता है, फिलहाल तो ऐसे दिख रहा है। A few moments later. Guys, finally, बाल काट लिया,
अच्छा लग रहा था, ले सकते हैं कैसे कटा होगा, मैंने निकल गया अब यहाँ से सीधा बाहर निकलेगा, बाहर मिलता आपको। तो गाइस फाइनली बाहर निकल गया, पता नहीं कैसे कटा है, बहुत गर्म लग रहा था इसलिए हम काट दिया, आई थिंक अच्छा ही कटा होगा। तो बस यहाँ से अभी सीधा निकल जाएगा, वैसे ही रूट वही रूट ही है। और तो सेम रास्ता का बार बार कितना दिखाएगा आपके, यहाँ से सीधा निकल जाएगा। सो होप यू गाइस एंजॉय द ब्लॉग्स, अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो मेक श्योर लाइक कर देना, और चैनल पर नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।